आज की मूवी का नाम है द हॉट चेक, जो 2002 में रिलीज हुई थी। कहानी 50वीं ईसा पूर्व से शुरू होती है। एक एब्सिनियन महल में जश्न का माहौल है। राजकुमारी नवा एक गुलाम लड़की के साथ शरीर की अदला बदली करके एक अरेंज मैरिज से बचने के लिए जादुई इयररिंग्स की एक जोड़ी को यूज करती है। वो दोनों लड़कियां जब एक एक इयररिंग्स अपने कानों में पहनती है तो उनके शरीर को जादुई रूप से बदल दिया जाता है, जबकि उनका दिमाग जगह पर रहता है। अगला सीन मॉडर्न सिटी के एक घर का है, जहां जेसिका स्पेंसर एक सुंदर लेकिन शेलफिश हॉट चिक है। जेसिका की सबसे करीब दोस्त अप्रैल, कीसिया और लुलू है। अप्रैल जेसिका की सबसे अच्छी दोस्त है और चारों लड़कियां चीयरलीडर हैं। स्कूल में जेसिका एक मोटी लड़की हिल्डनबर्ग का मजाक उड़ाती है। जेसिका का एक बॉयफ्रेंड है बिली। बिली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और कहता है जब वो उसे किस करती है तो उसे वहां कुछ कुछ होने लगता है। जेसिका कहती है कि वो उनके इंटीमेट मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहती है और वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जेसिका और उसके दोस्त मॉल जाते हैं, जहां जेसिका अपनी कॉम्पिटिटर बियांका के बैग में एक ब्रा चुपके से डाल देती है और सिक्योरिटी बियांका को दबोच लेते हैं। फिर वो सब एक अफ्रीकी थीम वाले स्टोर में इयररिंग्स ढूंढती हैं। उसे एक खूबसूरत इयररिंग्स का पेयर पसंद आता है, लेकिन स्टोर ओनर बताती है कि वो इयररिंग्स बेचने के लिए नहीं है, इसलिए जेसिका उन्हें चुरा लेती है। नेक्स्ट सीन में क्लाइव नाम का एक छोटा क्रिमिनल पास के एक गैस स्टेशन को लूट लेता है। कैशियर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो नाचोस चुराने लगता है। जब जेसिका और उसके दोस्त वहां आते हैं तो वो गलती से उसे वहां काम करने वाला समझ लेते हैं। उन लड़कियों को उस पर डाउट ना हो, इसलिए वो बचने के लिए उनकी कार की सर्विस करता है। जेसिका उसे काफी परेशान करती है और जाते जाते जेसिका गलती से एक इयररिंग्स को जमीन पर गिरा देती है और क्लाइव उस इयररिंग को उठा लेता है। क्लाइव घर पहुंचकर उस इयररिंग को पहन लेता है। अगली सुबह जब जेसिका उठती है तो वो पूरी तरह से क्लाइव की बॉडी में बदल चुकी थी। उसके बूब्स और बाकी पार्ट्स भी बदल चुके थे। उसे लगता है कि ये सब एक ड्रीम है। वहाँ क्लाइव भी जब सोकर उठता है तो अपनी बंदूक देखकर चिल्लाने लगता है, जो अब वहाँ नहीं थी। जेसिका अप्रैल को फोन करके बुलाती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जेसिका है, लेकिन अप्रैल को यकीन नहीं होता। फिर जेसिका उसे याद दिलाती है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। फाइनली अप्रैल को यकीन हो जाता है कि वो ही जेसिका है। अप्रैल उसे हवस की निगाहों से देखने लगती है और कहती है कि वो उसकी बंदूक देखना चाहती है। जेसिका अपना अंडरवियर खोल के उसे अपनी बंदूक दिखाती है। जेसिका अपने सारे दोस्तों को अपनी बंदूक दिखाती है और उन्हें विश्वास दिलाने के बाद कि वो कौन है, वो शरीर की अदला बदली की जांच में उसकी मदद करते हैं, क्योंकि जेसिका को प्रॉम पर जाने और एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपने ओरिजिनल गेटअप की जरूरत है। उन्हें लगता है कि ये काम उन लोगों का हो सकता है जिनके साथ जेसिका ने गलत बिहेवियर किया हो, जैसे हिल्डनबर्ग, ईडन और बियांका। हिल्डनबर्ग और ईडन से जेसिका माफी मांगती है और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। एक क्लब में जेसिका को टॉयलेट जाना पड़ता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस बंदूक के साथ टॉयलेट कैसे करे। वहीं एक बारटेंडर जो गे है, उसे लगता है कि जेसिका भी गे है, क्योंकि वो लड़कियों की तरह हरकतें कर रही होती है। इस बीच जेसिका को अप्रैल के साथ सीक्रेट रूप से दो नौकरियों के लिए काम पर रखा गया है। अपने घर पर वो मालिका काम करती है। उसके पेरेंट्स उसे अपनी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और वो उनकी सेक्स लाइफ को पटरी पर लाने में मदद करती है। अप्रैल का बीएफ अप्रैल के पास आता है और उसने गले में स्कार्फ डाला होता है। जब वो उसका रीजन पूछती है तो वो कहता है कि यहाँ काफी ठंड है। अप्रैल उसके स्कार्फ को हटाती है और देखती है कि उसके नेक पर लव बाइट के निशान है, जो उसकी वजह से तो नहीं आए थे, यानी वो किसी दूसरी लड़की के साथ खेल कर आया था। जेसिका अपने ही स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। बिली फ्रेश हो रहा होता है और वहाँ जेसिका आ जाती है। वो कहती है उन्हें बात करनी चाहिए। बिली को समझ नहीं आता वो इस आदमी से क्यों बात करे। ईडन को इंटरनेट पर इयररिंग की एक तस्वीर मिलती है। जब लड़कियां अफ्रीकी स्टोर में लौटती हैं, तो ओनर बताती है कि इयररिंग्स कैसे काम करते हैं और कैसे एक प्रिंसेस ने अपनी बॉडी एक गुलाम के साथ स्वैप कर ली थी, और वो लड़कियों से कहती है कि उन्हें जल्द ही फुल मून से पहले दूसरी इयररिंग ढूंढनी होगी, वरना जेसिका को हमेशा के लिए इसी बॉडी में रहना पड़ेगा। वहाँ स्कूल में एक क्लीनर के रूप में लड़कों के लॉकर रूम की सफाई करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड बिली पर जासूसी करती है और उसे पता चलता है कि वो उसे कितना प्यार करता है।
और अप्रैल के बॉयफ्रेंड जैक की एक और गर्लफ्रेंड मोनिक है। जैक की बेवफाई का पता चलने पर अप्रैल को जैसिका से प्यार हो जाता है। वो उसे साथ में प्रॉम पर चलने के लिए कहती है। चीयरलीडर्स कॉम्पिटिशन में जैसिका स्कूल के शुभंकर के वेश में बिली को रोमांटिक रूप से संकेत देती है और बिली को भी लगता है कि वो जैसिका है, लेकिन जब उसके सूट का सिर गिर जाता है तो जैसिका के बदले एक आदमी को देखकर बिली को उल्टी हो जाती है। लेकिन जैसिका ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है क्योंकि स्कूल का स्टाफ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिली दुखी होकर बियांका के साथ निकल जाता है। इस दौरान क्लाइव जैसिका के शरीर का उपयोग पुरुषों से पैसे कमाने के लिए कर रहा है। बिली को रास्ते में जैसिका दिखती है जो असल में क्लाइव है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। क्लाइव उससे पैसे और उसकी कार मांगता है। बिली उसे अपने पैसे और कार देता है ये मानते हुए कि वो जैसिका है। क्लाइव उसकी कार लेकर भाग जाता है। प्रॉम की शाम को हिल्डनबर्ग को टीवी समाचार पर एक व्यक्ति को लूटते हुए क्लाइव का एक वीडियो दिखता है। वो उसी जगह जाती है और वहाँ उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है जहाँ क्लाइव पोल डांसर के रूप में काम करता है। वो प्रोम में जैसिका को बताती है कि उसकी बॉडी मिल गई है। जैसिका के पेरेंट्स भी उनकी बातें सुन लेते हैं। लड़कियां क्लब आती हैं, वे क्लाइव को ढूंढते हैं जो पोल डांस कर रहा है और फिर क्लाइव अपनी बॉडी को देखकर भागने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। क्लाइव कहता है कि आज रात वो उसे $500 और बनाने दे, वो उसे उसकी बॉडी लौटा देगा ताकि वो उस पर जितने उधार हैं उसे चुका सके। जैसिका उसकी गर्दन पकड़कर कहती है कि मेरी बॉडी मुझे दे दो। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और क्लाइव को छोड़ने को कहता है। क्लाइव पोल पर चढ़कर डांस करने लगता है और वहाँ जैक भी आ जाता है और क्लाइव को उसके लिए डांस करने को कहता है। वहाँ बिली को उस क्लब में देखकर जैसिका के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। बिली ऐसा शो करता है जैसे वो प्रोम समझ के इस क्लब में आ गया है। वहाँ जैसिका क्लाइव की इयररिंग चुरा लेती है और उसे दूसरी इयररिंग के साथ पहन लेती है। जैसिका और क्लाइव के शरीर अब उनके पास वापस आ जाते हैं और पोल पर एक आदमी को डांस करता देख गार्ड क्लाइव को कहता है कि मंडे नाइट इज गे नाइट। क्लाइव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जैसिका बिली के पास आती है और बिली को अभी भी ये लगता है कि उसी ने उसके डैड की कार चुराई है और वो एक स्ट्रिप डांसर की जॉब करती है। वो कहता है कि वो इस सदमे से उबरने की कोशिश करेगा। जैसिका उसके हाथ को अपने दिल के पास रखती है और कहती है कि तुम एक ही समय में मेरी दिल की धड़कन को फास्ट और स्लो करते हो। वो बिली को किस करती है और वहाँ अप्रैल क्लाइव को देखकर स्माइल दे रही है और क्लाइव भी उसे देखकर फनी लुक्स देता है, यानी कि अप्रैल को क्लाइव और क्लाइव को अप्रैल पसंद आ गई है। क्लाइव पुलिस कार से उतरकर भागने लगता है और एक कार से लिफ्ट मांगता है। उसको वही बारटेंडर किडनैप कर लेता है जो मानता था कि वो गे है और ये भूमि यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाय।